से 10 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान चला हुआ राख। हापुड़ जनपद के मेरठ गेट पुलिस चौकी के निकट दशहरा पर्व के दिन दोपहर को इलेक्ट्रॉनिक से भरे गोदाम में अचानक भयंकर आग लग जाने से करीब 10 लाख रुपए मूल्य का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हापुड़ से ऊपरी के प्रवीण सूरी की पुराना बाजार में इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान है। दिवाली पर्व पर वॉशिंग मशीन एलईडी फ्रिज आदि मांग निकलने की उम्मीद से प्रवीण ने मेरठ गेट पुलिस चौकी के एक गोदाम में इलेक्ट्रॉनिक सामान का भंडारण किया हुआ था। रविवार की दोपहर को गोदाम की प्रथम मंजिल पर रखे सामान में अचानक आग लग गई, जिस कारण एक बार तो अफरा तफरी मच गई। बाद में मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। सूचना पाते ही तीन दमकल मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रवीण ने बताया कि आग से करीब 10 लाख रुपए का माल जल गया है। अरे क्या कारण रहा आपका, कैसे कैसे लगी? देखिए, आज सूचना मिली थी पब्लिक द्वारा कि एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लग गई है। हमने तुरंत कार्रवाई कराते हुए फायर ब्रिगेड को सूचना दी और 5 मिनट बाद फायर ब्रिगेड गाड़ी पहुंच गई है। उसके बाद आग पर काबू पा लिया। जनहानि नहीं है कोई भी, और लेकिन 8 से 10 लाख रुपए का व्यापारी का नुकसान है। उसको समय रहते हुए आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में।